इसको पूछिए ना बीच को कैमरा लगा क्या कैमरा चल रहा है रहने कहाँ दिए ना हमको विद्यार्थी रहने दिए ना प्रिंसिपल रहे विद्यार्थी तो नहीं रहने दिए ना मजबूर कर देते हैं आपको लेके समस्या गिना रहे हूँ भाग जाते हैं उधर कौन सी हम बात करें कौन सी बात करें नहीं हम कौन सी बात करने के लिए आप चल गए उधर सुबह के 10 बजे जीडी कॉलेज के प्राचार्य का पसीना छूट रहा था क्योंकि प्राचार्य कक्ष का नजारा ही बदला हुआ था। प्राचार्य कक्ष के मुख्य द्वार पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 8-10 की संख्या में साइकिल खड़ा कर दिए थे, साथ ही प्राचार्य के विरुद्ध रोष प्रकट कर रहे थे। वहां आने वाले शिक्षक शिक्षिका प्राचार्य कक्ष में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। मौके पर उपस्थित जिला संयोजक सोनू सरकार एवं नगर मंत्री पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि विगत एक वर्ष से प्राचार्य से साइकिल स्टैंड की मांग की जा रही थी, किंतु प्राचार्य मनमाने तरीके से जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग के रंग रोगन में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। 6 महीने पूर्व लाखों की लागत से महाविद्यालय में CCTV कैमरा लगाया गया, किंतु आज आलम यह है कि एक भी कैमरा चालू नहीं है। बार बार प्राचार्य से इस हेतु ज्ञापन मांग पत्र एवं आंदोलन के माध्यम से इन बातों को प्रमुखता से रखा गया, किंतु वह इस ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस महीने विद्यार्थी परिषद के 2 कार्यकर्ताओं की नई साइकिल प्रशासनिक भवन से 10 मीटर की दूरी पर से चोरी हुई। आज ही जाकर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य कक्ष को ही साइकिल स्टैंड बना डाला और वहीं पर साइकिल लगाना शुरू किया। इस पर तत्क्षण प्राचार्य डॉक्टर राम उदेश कुमार एवं बरसर कमलेश कुमार ने आक्रोशित कार्यकर्ताओं को समझाते बुझाते हुए साइकिल स्टैंड हेतु नए भवन के ग्राउंड फ्लोर को 3 दिन के अंदर तैयार कर साइकिल स्टैंड का रूप देने की बात कहे एवं कार्य प्रारंभ किया गया। रहने कहाँ दिए ना हमको विद्यार्थी रहने दिए ना प्रिंसिपल रहे विद्यार्थी तो नहीं रहने दिए ना मजबूर कर देते हैं आपको लेके हम करवा देते हैं ठीक है ना। क्लास करने के लिए उनको नोटिस बोले कि क्लास का सब विभाग को कहिए कि नोटिस करेंगे। आज तक मैसेज सीन नहीं किए, फोन पे बोले बोले देख लेते हैं नहीं किए हैं तो हमको हम बोले थे कि आप कीजिएगा आपको बताइएगा क्लास बुलाई नहीं हुए सब इतना काम देख रहे हैं आपके पास प्राथमिकता में और सब काम है समस्या गिना रहे हूँ भाग जाते हैं उधर कैमरा इतना बीच को लगा 6 महीना काहे नहीं रिपोर्ट चल रहा है। अच्छा आइए ना प्रिंसिपल चैम्बर के बाहर से चोरी करो इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कौशिक झा एवं कृष्ण कुमार ने कहा कि महाविद्यालय में 3 पानी की मशीन लगी हुई है, किंतु छात्र छात्राओं को पीने योग्य पानी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। बार बार प्राचार्य पानी पीने की उपलब्धता की बात करते हैं, किंतु लाखों रुपया खर्च करने के बावजूद समस्याएँ जस की तस हैं। हम समाधान चाहते हैं और प्रशासन उसमें पैसों का बंदरबांट करता है। यदि यही स्थिति जारी रही तो अगले महीने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऐसे प्राचार्य को हटाने हेतु अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। मौके पर रोशन अभिषेक सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। कल क्यों लगाया मैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर? ये जीडी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का चैम्बर है और यहाँ पर हमारे जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है यहाँ पर साइकिल लगाए। पिछले 6 महीना से इनको ज्ञापन दे दे करके हम लोग थक गए और आज जब यह आलम हुआ कि पिछले 6 महीना पहले जीडी कॉलेज में 20 CCTV कैमरा लगाया गया, उसमें से एक भी CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा है। पिछले दिनों ये कृष्णा कुमार है विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता है, इनका साइकिल चोरी हुआ और साइकिल चोरी के बाद और वो साइकिल जो चोरी हुआ वो जीडी कॉलेज के सबसे हाई प्रोफाइल जगह से चोरी हुआ। वहाँ स्टाफ का साइकिल लगता है, मोटरसाइकिल लगता है, लाइब्रेरी और प्रिंसिपल चैम्बर के बीच का भाग है, वहाँ से साइकिल चोरी हुआ और माननीय प्राचार्य महोदय आज तक उस पर ध्यान नहीं दिए। हमने उन्हें बार बार कहा कि CCTV कैमरा यदि महाविद्यालय में लगा हुआ है तो वो CCTV कैमरा काम क्यों नहीं करता और प्रत्येक 6 महीना पर आप नया CCTV कैमरा लगा रहे हैं, छात्र छात्राओं के पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं।
रंग रोगन पे लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन साइकिल स्टैंड जो हम लोग का मूलभूत मांग है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य चैंबर के समक्ष साइकिल लगाने का काम किया है, और जब तक साइकिल स्टैंड का मांग पूरा नहीं होता है हमारा साइकिल प्राचार्य चैंबर के समक्ष ही लगेगा।